आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर। तो वीडियो मेरे साथ बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए किचन, माय किचन। एक कढ़ाई में हम धनिया का बीज लेंगे और इसमें थोड़ा सा तिल डालेंगे और एक चम्मच जीरा, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक हरी इलायची और एक काली इलायची। बस इतना सा इंग्रेडिएंट डाल के हमें अच्छे से रोस्ट करना है। थोड़ा सा हम काली मिर्च भी ऐड कर लेंगे। इसे बहुत अच्छे से रोस्ट करने के बाद मिक्सर जार में डाल के हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इनका पाउडर फॉर्म में करना है, इन्हें साइड में कर लेना है। फिर अब एक कढ़ाई में हम ऑयल गर्म करेंगे, थोड़ा हींग से तड़का देंगे, थोड़ा सा तेज पत्ता ऐड करेंगे, हरी मिर्च, आप चाहो तो लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हो। इन्हें चटकने के बाद हम दो बारीक बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमें बहुत बारीक चॉप करना है, इस बात का ध्यान रखें, और इसे लगभग 5 से 6 मिनट तक बहुत अच्छे से भुनना है। इन्हें ढक के हम 5 से 6 मिनट तक भुनने देंगे। बीच बीच में हमें इन्हें चलाते रहना है। छः मिनट हो चुके हैं, प्याज हमारा अच्छे से भुन चुका है। इसमें थोड़ा हल्दी ऐड करेंगे और एक चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, जिससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आए। बहुत अच्छे से भुनना है। इसमें एक चम्मच भर के हमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो सिर्फ अदरक डालें। इसमें हम दो चॉप किया हुआ टोमेटो ऐड करेंगे। टमाटर हमारा बारीक चॉप होना चाहिए। अब इन्हें बहुत अच्छे से ढक के भून लेंगे। टमाटर हमारा मैश ही हो चुका है बिल्कुल। अब गैस को करेंगे ऑफ, फिर इन्हें प्लेट में निकालेंगे। मसाले को बहुत अच्छे से भून के हम प्लेट में निकालेंगे ठंडा होने के लिए। एक कढ़ाई में हम ऑयल गरम करके थोड़ा सा स्लाइस प्याज ऐड करेंगे और अदरक और हरी मिर्च। इन्हें चटकने के बाद हम शिमला मिर्च थोड़ा ऐड करेंगे और थोड़ा सा ऑप्शनल है टमाटर ऐड करेंगे। आप चाहो तो टमाटर को स्किप कर सकते हो। बस इन्हें लाइटली हमें भूनना है। ये हल्का सा भून चुका है। हम जो मसाले तैयार किए उनमें से तेज पत्ता भी इसी में ऐड कर लेंगे और चॉप किया हुआ पनीर ऐड करेंगे। मैंने क्यूब शेप में, बड़े बड़े शेप में दिया है, आप चाहो तो छोटा छोटा कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं, मिक्सी जार में डाल के हमें इन्हें ग्राइंड कर लेना है। और ग्राइंड करने से पहले इसमें 2 चम्मच हम दही ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप पानी भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास दही नहीं है तो मलाई भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हल्दी ऐड करने के बाद जो हमने मसाले सबसे पहले भून के ग्राइंड किया था उसे ऐड कर लेंगे। उसके अलावा इसमें कोई और मसाला नहीं पड़ेगा। हमने जो पेस्ट बनाया है उसे भी ऐड करेंगे। थोड़ी देर चलाते हुए इन्हें हम भुनेंगे। बस हमारा सब्जी 2 मिनट में बनके रेडी हो जाएगा। इसमें ऑप्शनल है, आप गरम मसाला ऐड कर सकते हैं और टेस्टी लगेगा। और स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। मसाले हमारे बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। जब कढ़ाई छोड़ने लगे तो इसमें हम 1 कप पानी ऐड करेंगे। आप पानी अपने अनुसार डाल सकते हैं। बस चला के हमें इसे 2 से 3 मिनट तक कुक होने देंगे। इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे, सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। ढक के इन्हें 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे। जब ये पक जाए
तो इसमें हम थोड़ा सा धनिया का पत्ती ऐड करेंगे, धनिया का पत्ती ज़रूर ऐड करें। और ये ऑप्शनल है कसूरी मेथी, सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए कसूरी मेथी ज़रूर ऐड करें। गैस को करेंगे ऑफ, कढ़ाई पनीर डन। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को एक शेयर ज़रूर करें। थैंक।